फ्रेंड्स, मैं कोमल आपका कोमस किचन में स्वागत करती हूँ। कोमस किचन में बनने वाली है समर ड्रिंक, वो भी एक नहीं दो नहीं छह समर ड्रिंक। जब भी गला सूखे तो हर अलग अलग फ्लेवर्स की ड्रिंक बनाइए, वो भी छह फ्लेवर की। पूरा वीक अलग अलग फ्लेवर की ड्रिंक का मजा लीजिए। मैंने यहाँ पे लिया एक जार, जार में डाली है मैंने धनिया पत्ती, थोड़ी सी ताजी मिंट, एक हरी मिर्च, एक ताज़ा तका टुकड़ा, एक चम्मच नींबू का रस, थोड़ी सी शक्कर और थोड़ा सा जीरा पाउडर, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और इसे हम अच्छा सा फाइन सा पेस्ट बना देंगे। इसे हमने एक छोटे से गिलास पे डाल दिया है। अब आप सोचेंगे छोटे से गिलास में क्यों, उसी का ही तो राज है। फिर मैंने बाउल लिया, बाउल के अंदर मैंने गिलास या जार कुछ भी रह सकते हैं, उसके ऊपर मैंने डाला है सोडा। आप देखिए सोडा को पूरा फिल नहीं करना है, उसके ऊपर हम शॉट्स को डाल देंगे और आप देखिए कि झरझर करके हमारी फुल जड़ सोडा तैयार हो गई। हमारी सेकेंड ड्रिंक है फुल मून, नहीं ब्लू मून। आप देख रहे हैं कितनी प्यारी सी लग रही है ना ये ब्लू मून। इसके लिए मैंने प्लेन गिलास लिया है, गिलास में मैंने थोड़ी आइस डाली है। आइस में हम डालेंगे थोड़ा सा सेंधा नमक, नींबू का रस और इसमें सेवन अप ना हो तो आप सोडा भी डाल सकते हैं। इसे अच्छे से ब्लू कलर डाल के अच्छे से इसे स्टर कर दीजिए ताकि सारी ड्रिंक अच्छे से मिक्स हो जाए। और आप देख रहे हैं कितनी सुंदर सी हमारी ड्रिंक बन रही है, इसको मिंट और लेमन के साथ गार्निश कर दीजिए। एक मिनट में हमारी ड्रिंक बन के तैयार हो गई। मैंने यहाँ पे लिए हैं एक कटोरी, एक में नींबू का रस है, एक में शक्कर है। गिलास में पहले हम नींबू का रस लगाएंगे, ऊपर से शक्कर, ताकि हमारा गिलास है टेम्पटिंग सा बन जाए। मैंने एक दूसरा गिलास लिया जिसमें मैंने थोड़ा सा ठंडा पानी डाला, एक हरी मिर्च, थोड़े से नींबू के टुकड़े, लेमन जूस, थोड़ी सी शक्कर और थोड़ा सा सेंधा नमक। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए ताकि सारी चीज़ें आपस में मिक्स होती तो फ्लेवर एक नया सा बनता है। और फिर मैंने एक गिलास लिया है, उसमें डाला है सब्जा। सब्जी को मैंने एक घंटा पहले भिगो के रखा था ताकि अच्छे से फूल जाए। सबसे पहले गिलास में सब्जा डालिए, फिर जो सारी चीज़ें हमने मिक्स किया था उसे हमें गिलास में पोर कर देना है। उसके बाद अपनी मनपसंद ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक में थम्सअप, माजा आप कोई भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें डाली है सेवन अप और आप देखिए कितनी सुंदर सी हमारी ड्रिंक लग रही है ना। आपको भी इस ड्रिंक को देख के मुँह में पानी आ रहा है ना। मैंने वापस से दो कटोरी ली, एक में लेमन जूस, एक में शुगर। पहले गिलास में लेमन जूस लगाया, फिर शुगर और हमारा टेम्पटिंग सा गिलास बन के तैयार हो गया है। अब हम उसमें डालेंगे सबसे पहले लेमन जूस, थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी क्रश, आप इसकी जगह मनपसंद का क्रश डाल सकते हैं। इसे अच्छे से हमें मिक्स कर देना है ताकि नींबू के साथ उसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। अब हम उसमें डाल देंगे थोड़ी सी आइस और मनपसंद की इसमें ड्रिंक डालना है। मैंने यहाँ पे डाली है सेवन अप, आप चाहें तो कोई भी फ्लेवर की डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए और दो मिनट में हमारी ड्रिंक बनके तैयार हो गई है। आपको लग रही है टेम्पटिंग सी हमारी ये ड्रिंक, इस तरह की ड्रिंक आप अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिए। इसमें हमने ऊपर से नींबू और मिंट डाला है इसे थोड़ा सा चेंज सा फ्लेवर देने के लिए। लिए ग्लास, ग्लास में डाला है मैंने लेमन जूस, जीरा पाउडर, शक्कर, नमक, थोड़ी सी क्यूब लेमन के, थोड़े से ऑरेंज के और थोड़ी सी आइस। अब हमने इसमें डाला है थोड़ा सा ऑरेंज शरबत, मैंने वीडियो में बनाना बताया है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। ऊपर से हमें इसमें सोडा या सेवन अप जो भी चाहें आप उसे डाल सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स करके इस ड्रिंक का मजा लीजिए। और आप देखिए ऊपर से जो टेम्पटिंग से हमारा ग्लास देख रहा है ना, हमने कैसे बनाया वो हम आपको एक वीडियो में बता चुके हैं। वापस मैंने एक गिलास लिया है, उसमें मैंने डाला है लेमन जूस, पिसी हुई शक्कर, थोड़ा सा सेंधा नमक, जीरा पाउडर और थोड़ा सा ब्लैक पेपर। इसमें डाले हैं कुछ नींबू के क्यूब और मिंट। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद इसमें कुछ आइस क्यूब डालना है और इसमें हमने डाला है थम्सअप। थम्सअप की जगह आप पेप्सी, कोका कोला जो भी डालना चाहें डाल सकते हैं। और आप देख सकते हैं कितना टेम्पटिंग सा हमारा ये ड्रिंक बनके तैयार हो गया है। और आप देख सकते हैं हमारे सारे ड्रिंक्स बनके तैयार हो गए।
ये हमारे 6 प्रकार के ड्रिंक बनके तैयार हो गए हैं। आपका फेवरेट ड्रिंक कौन सा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और बहुत अच्छा लगे तो सबके साथ शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।